इसमें 12th हिस्ट्री के उस ऑब्जेक्टिव को हम शामिल किए हैं जो कई वर्षों से पूछते आ रहे हैं क्या 2024 में पूछने की अति संभावना है। संपूर्ण 12th के ऑब्जेक्टिव को हमने 7 सीरीज में देने का निर्णय लिए हैं, जिसका पहला सीरीज यह वीडियो है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग की, बी नवपाषाण युग की, सी कांस्य युग की, डी लोह युग की। और इसका सही आंसर है सी कांस्य युग की। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? ऑप्शन ए मिलवा को, बी दिलमुन को, सी मगान को, डी किसी को नहीं। और इसका सही आंसर है ए मेलुहा को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? जी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए चुनहुद्रो, बी मोहनजोद्रो, सी कालीबंगन, डी धोलावीरा। और इसका सही आंसर है बी मोहनजोद्रो। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या था? ऑप्शन ए मिट्टी की मूर्तियां, बी धातु के समान, सी मन के, और डी मोहर। तो इसका सही आंसर है डी मोहर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिघम को, बी सर जॉन मार्शल को, डी मारुति अमर विलर को, डी एस आर रॉ को। तो इसका सही आंसर है ए अलेक्जेंडर कनिघम को। अगला प्रश्न है, सिंधु वासी निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? जी हाँ, तो ऑप्शन ए कांसा का, बी लोहा का, सी सोना का, डी तांबा का। तो इसका सही आंसर है बी लोहा का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? जी हाँ, नाचने वाले की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी कोटी दीजी से, और ऑप्शन डी राखी गढ़ी से। तो इसका सही आंसर है ए मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, नाचने वाले की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी, या फिर हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज, डी रावी। और इसका सही आंसर है डी रावी। जी हाँ, रावी नदी के तट पर हड़प्पा बसा हुआ है, जो अभी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा का उद्खनन किसने किया था? जी हड़प्पा का उद्खनन किसने किया था, या फिर हड़प्पा का उद्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल के नेतृत्व में, बी आर टी बनर्जी के नेतृत्व में, सी दयाराम साहनी के नेतृत्व में, और डी एम आर
राव के नेतृत्व में। तो इसका सही आंसर है सी, दयाराम शाहनी के नेतृत्व में। जी हाँ, दयाराम शाहनी के नेतृत्व में हड़प्पा का उत्खन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनौद्रो का उत्खन केंद्र क्या था, अर्थात चुनौद्रो में सबसे ज़्यादा कौन चीज उत्पादित होता था या कौन चीज निकल बनता था वो है। तो ऑप्शन ए मोहर बनाने का, बी मनका बनाने का, सी मिट्टी की मूर्ति बनाने का, डी वस्त्र बनाने का। तो इसका सही आंसर है मनका बनाने का। मैं बता दूं, चुनौद्रो में मनका बनाने का प्रमाण मिला है। यहाँ पर मनका बनाने का बहुत बड़ा फैक्ट्री। कई प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए इतिहास, बी पुरातत्व, सी मुद्रा शास्त्र, डी अभिलेख शास्त्र। और इसका सही आंसर है डी अभिलेख शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, जनपद शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए प्रशासनिक अधिकारी को, बी क्षेत्रीय इकाई को, सी धार्मिक संप्रदाय को, डी सामाजिक इकाई को। और इसका सही आंसर है बी क्षेत्रीय इकाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान क्या कहलाता था। ऑप्शन ए अकराध्यक्ष, बी सीताध्यक्ष, सी पाण्याध्यक्ष, डी पोत्वाध्यक्ष। और इसका सही आंसर है बी सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्का जारी किया। ऑप्शन ए मौर्यों ने, बी हिंद यूनानियों ने, सी कुषाणों ने, डी गुप्तों ने। और इसका सही आंसर है बी हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, शक संपत का आरंभ किसने किया था। एक में मिंडारो ने, बी में गोंदो फर्निस ने, सी में गुरु नानक ने, डी में कनिष्क ने। और इसका सही आंसर है डी कनिष्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूमि अनुदान के प्रथा आरंभ की थी। ए मौर्यों ने, बी कुषाणों ने, सी सातवाहनों ने, डी गुप्तों ने। और इसका सही आंसर है सी सातवाहनों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए कौटिल्य, बी कालिदास, सी विष्णु शर्मा, डी विशाखा दत्त। और इसका सही आंसर है डी विशाखा दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग किसको माना जाता है। ऑप्शन ए गुप्त काल को, बी मौर्य शासनकाल को, सी शुंग वंश के शासनकाल को, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है गुप्त काल को, अर्थात ए। नेक्स्ट प्रश्न है, देव कुलों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए वैक्टीरिया नानियों को, बी सातवाहन को, सी कुषाणों को, और डी सबको को। इसका सही आंसर है डी कुषाणों को।